इराक में कतार में रखे गए ये 100 से ज्यादा शव उन हजारों मासूमों में से चंद लोगों के हैं जो 6 साल पहले इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खौफनाक कारनामों के शिकार हुए थे। ये शव इराक के यजीदी अल्पसंख्यक समुदाय के उन सदस्यों के हैं जिन्हें इस्लामिक स्टेट ने 2014 में मौत के घाट उतार दिया था। इराक के उत्तरी गांव में शनिवार को हुए सामूहिक अंतिम संस्कार में 2014 में मारे गए लोगों को इज्जत से दफन होने का मौका मिला। इराक के सिंजार के कोचो गांव में जब सैनिक 6 साल पहले मारे गए लोगों के 100 से अधिक ताबूतों को दफनाने पहुंचे तो मारे गए लोगों को आंसुओं के साथ आखिरी विदाई देने आसपास के गांव के लोग भी आए। ये शव इस्लामिक स्टेट के उन अपराधों का सबूत हैं जिन्होंने पूरी मानवता को शर्मसार किया था। इराक में जब इस्लामिक स्टेट का आतंक अपने चरम पर था तब उन्होंने यजीदी अल्पसंख्यक समुदाय के सैकड़ों सदस्यों का नरसंहार कर दिया था और उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह बड़े बड़े गड्ढों में डालकर दबा दिया था। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में मारे गए लोगों की पहचान के लिए एक अभियान चला और डीएनए जांच के लिए शवों को गड्ढों से निकाला गया। इसके बाद परिजनों के डीएनए सैंपल लेकर उनकी पहचान हुई। इराक में इस्लामिक स्टेट के आतंक का शिकार हुए लोगों की पहचान के लिए काम करने वाली संस्था इराक मार्टिर्स फाउंडेशन की देखरेख में ये पूरा इंतजाम हुआ। इस्लामिक स्टेट के हाथों इराक में यजीदियों का भयंकर नरसंहार हुआ था। इराक में सरकार ने नरसंहार की 73 जगहों पर जांच कर अब तक 16 सामूहिक कब्रों का पता लगाया है और उन गड्ढों से शवों को निकालकर उनकी पहचान की जा रही है। कोचो में हुए अंतिम संस्कार में शामिल होने आए एक यजीदी के रिश्तेदार ने बताया कि अभी तक कई पीड़ितों के शव नहीं मिल पाए हैं। इन्हें दफना दिया गया लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से हैं जिनके शव 73 सामूहिक कब्रों में बिखरे पड़े हैं। कुछ की तो हड्डियां भी नहीं बची हैं क्योंकि वो बाढ़ के साथ बह गई। इस्लामिक स्टेट ने उत्तरी इराक के कुछ हिस्सों पर 2014 से 2017 तक राज किया था और जमकर तबाही मचाई थी। इस्लामिक स्टेट ने यहां से अल्पसंख्यक यजीदियों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की थी। यजीदी इस इलाके में मुस्लिम और ईसाइयों से अलग धार्मिक पहचान रखते हैं। इस्लामिक स्टेट ने यजीदियों के गांवों को तबाह कर दिया था। इस्लामिक स्टेट के आतंकी जब किसी यजीदी गांव में पहुंचते तो आदमियों को कतार में खड़ा कर वहीं गोली मार देते और बच्चों और औरतों को अगवा कर अपने साथ ले जाते। उस दौरान बड़े पैमाने पर यजीदी महिलाएं रेप और प्रताड़ना का शिकार हुई थीं। उन्हें खरीदा बेचा भी गया। पिछले साल इराक और यूएन ने कोचो की सामूहिक कब्रों को खोदकर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के गुनाहों के सबूत निकाले। ऐसा माना जाता है कि यहां 2014 में इस्लामिक स्टेट ने सैकड़ों यजीदियों को मारकर गाड़ दिया था। इस्लामिक स्टेट के नरसंहार के बाद बहुत से यजीदी इन इलाकों से अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। इस्लामिक स्टेट के यहां से जाने के बाद अभी भी इराक में यजीदी अपने घर वापस लौटने के लिए परेशान हैं। इस अंतिम संस्कार में शामिल होने आई एक यजीदी महिला समयसा कहती हैं, हमारे लिए अभी भी नरसंहार के हालात जारी हैं क्योंकि बाकी बचे लोगों, अनाथों और विधवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया गया है। सिंजार में कोई सेवाएं नहीं हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार चाहती है कि हम अपने आप लौट आएं। हम कैसे वापस लौट सकते हैं जब हमारे लिए यहाँ सही सलामत रहने को कोई इंतजाम नहीं है। अगर आप हमें सुरक्षा का भरोसा नहीं देंगे तो हम कैसे वापस आ सकते हैं।